सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज आरकेपुरम की टीम ने 100 से ज्यादा लोगों से कई करोड़ों रुपए ठगने वाले एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 6 साल से बार बार अपने ठिकाने व मोबाइल नंबर बदल बदल कर गुमनाम तरीके से रह रहा था। आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस को चकमा देने के लिए इस्तेमाल करने वाले मोबाइल नंबरों को भी अपने किसी दोस्त या जानकार की आईडी पर लेता था। लेकिन जो पकड़े जाने पर खुद हैरान था कि क्राइम ब्रांच ने उसे खोजा कैसे। दिल्ली पुलिस ने 6 वर्ष से फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। आरोपी के खिलाफ सीबीआई ने शिमला में भी मामला दर्ज कर रखा है। इस मामले में कोर्ट ने उसे और उसके साथियों को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। आरोपियों की कंपनी के खिलाफ दिल्ली व शिमला के अलावा हरिद्वार, सहारनपुर, यूपी, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरुग्राम हरियाणा निवासी 38 वर्षीय राजदीप मान के रूप में हुई है। डीसीपी क्राइम ब्रांच रोहित मीणा ने बताया कि एसीपी संतोष कुमार की सुपरविजन में क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज आरकेपुरम की कई टीमें वांटेड व कोर्ट से भगोड़े आरोपियों को दबोचने में लगी हुई है। एसीपी संतोष कुमार की सुपरविजन व इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, एसआई सम्राट खाटियान, उदयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक नरेंद्र, सुधीर कांस्टेबल सूर्यदेव, घनश्याम व धीरज की एक टीम विभिन्न स्कीमों में निवेश कराकर देशभर में 100 से ज्यादा लोगों से कई करोड़ रुपए ठगने वाले 6 साल से फरार शातिर जालसाज को दबोचने के प्रयास में लगी हुई थी। आरोपी इतना शातिर था कि करोड़ों रुपयों की ठगी करने के बाद सबसे पहले अपने व अपनी पत्नी के सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए थे। साथ ही सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और हर थोड़े समय के बाद अपना ठिकाना बदलने लगा। टीम आरोपी को दबोचने का हर संभव प्रयास कर रही थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। टीम ने आरोपी की पूरी फैमिली के साथ उसके दूर के रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के लगभग 4,000 मोबाइल नंबरों को खंगाला ताकि कब कहां से किसी के पास आरोपी का फोन आ जाए और कोई क्लू मिल जाए। लेकिन सारी मेहनत बेकार। फरार राजदीप मान के पिता दिल्ली पुलिस में एएसआई थे और 1991 में दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनकी मां मुआवजे के आधार पर दिल्ली पुलिस में शामिल हुई और लगभग 1.5 साल पहले सेवानिवृत्त हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी के मां के नंबर को भी रडार पर रखा हुआ था। लेकिन उस मां के नंबर से यह पता चलता था कि यह कुछ लोगों से तो बात करती है लेकिन जितने भी लोग थे सब रिश्तेदार थे। आरोपी राजदीप शायद किसी नंबर पर बात नहीं कर रहा था। टीम अंधेरे में थी। धीरे धीरे काफी समय निकल गया लेकिन टीम लगी हुई थी कि किसी भी हाल में आरोपी को खोजना था। आरोपी की पत्नी के मायके वालों के मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगाए लेकिन पता चला कि आरोपी की पत्नी भी अपने मायके वालों के संपर्क में नहीं थी। टीम के सामने अब ले देकर एक ही करेक्टर बचा था जिसके साथ आरोपी राजदीप क्लोज भी था, वो थी उसकी माँ। तो टीम की अब पूरी उम्मीदें उसकी माँ पर टिकी हुई थी। माँ बूढ़ी भी हो गई थी और रिटायर भी। एसीपी संतोष कुमार क्राइम ब्रांच आरकेपुरम को पूरा भरोसा था कि आरोपी मां से जरूर संपर्क करेगा। अब सारी उम्मीदें मां पर टिक गई थी। पुलिस ने आरोपी की मां के सभी नंबर ट्रेस करके अपने पास रखे और हर नंबर की बातचीत को चुपचाप सुनते भी थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक रोज आरोपी की मां के मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप कॉल आती है। आईपी एड्रेस से पता चला व्हाट्सएप कॉल गुरुग्राम के सेक्टर 84 से आई थी। टीम आरोपी की मां के मोबाइल पर आने वाले हर नंबर को क्रॉस चेक करती थी लेकिन यह नंबर नया था। टीम ने नंबर की नॉर्मल कॉल हिस्ट्री खंगाली तो कुछ नहीं मिला लेकिन व्हाट्सएप कॉल हिस्ट्री खंगालने पर टीम के सामने बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल आरोपी की मां फोन को फ्लाइट मोड पर लगाकर वाईफाई से व्हाट्सएप कॉल किया करती थी लेकिन उस दिन शायद फोन को फ्लाइट मोड पर लगाना भूल गई थी जिससे नंबर पकड़ में आ गया। अब क्राइम ब्रांच आरकेपुरम की टीम हैरान कि आरोपी राजदीप की मां को फोन फ्लाइट मोड पर ऑफ करके वाईफाई से कॉल करने की क्या जरूरत है। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो फोन को फ्लाइट मोड पर लगाकर वाईफाई से कॉल करने के पीछे कोई न कोई राज जरूर है। सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न इस नंबर को टटोला जाए। टीम ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से संपर्क कर सस्पेक्ट नंबर की डिटेल मंगवाए लेकिन सस्पेक्ट नंबर किसी और के नाम पर था। फिर भी टीम ने सस्पेक्ट नंबर को जीरो पॉइंट करके सर्विलांस पर लगा दिया। सस्पेक्ट मोबाइल नंबर की लोकेशन सबजे प्रिवी 4 टॉवर एस सेक्टर 84 गुरुग्राम से आ रही थी। टीम ने सोसाइटी के आरडब्ल्यूए से संपर्क कर आरोपी की फोटो दिखाई तो एसीपी संतोष कुमार का शक सही निकला। पूछताछ में पता चला कि आरोपी राजदीप मान इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 12 टॉवर एस में अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ रह रहा है।
सूचना के बाद टीम ने दिनांक 6 मई 2022 को सबेज प्रिवी 4 के पास जाल बिछाया और दोपहर लगभग 3:15 पर टॉवर एस सेक्टर 84 गुरुग्राम में छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी राजदीप ने बताया कि उसे लगता था कि वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं लगेगा, इसलिए पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अपने व अपनी पत्नी के नाम पर लिए सभी पुराने नंबर बंद कर दिए थे और सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी। साथ ही उसे यह भी लगता था कि अगर मोबाइल को फ्लाइट मोड पर ऑफ करके वाईफाई से व्हाट्सएप कॉल की जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, जो कि उसकी भूल थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नोएडा बेस कंपनी डेविस वैल्यू कार प्राइवेट लिमिटेड में अन्य लोगों के साथ निदेशक था। इन लोगों ने 92 वर्षीय आत्माराम वाधवा से 76 लाख रुपए ठग लिए थे। शिकायत पर अपराध शाखा में वर्ष 2015 में मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने कंपनी के दूसरे निदेशक सुमित वर्मा को 22 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था। इसके कब्जे से ठगी की रकम से खरीदी गई Q3 ऑडी कार बरामद की गई थी। कंपनी के दूसरे निदेशक गुरप्रीत सिंह को गुवाहाटी असम से 19 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब 3 निदेशक अरुण सूद, भूपेंद्र सिंह रावत व मनोज वर्मा फरार हैं। कोर्ट ने तीनों को भगोड़ा घोषित कर रखा है। आरोपी ने आगे बताया कि स्नातक करने के बाद करीब 8 वर्ष तक विजन बीपीओ कंपनी में नौकरी की। इसके बाद इसने 50,000 रूपए प्रति माह की तनख्वाह में कंपनी डेविस वैल्यू कार प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करना शुरू किया। वह कंपनी के निदेशक गुरप्रीत सिंह से मिला। गुरप्रीत ने वर्ष 2015 में उसे कंपनी का निदेशक बना दिया था। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कंपनी के निवेशकों को होलीडे पैकेज कार की पेशकश की और कॉल सेंटर के माध्यमों से पैसे को निवेश करने का लुभावना ऑर्डर दिया। इन्होंने लोगों को रकम को डबल करने या फिर उच्च रिटर्न का आश्वासन दिया। कंपनी के मूल निदेशक सुमित और गुरुप्रीत ने 3 महीने बाद इस्तीफा दे दिया और फरार हो गए। ऐसे में नवनियुक्त निदेशक ग्राहकों को हॉलीडे पैकेज का उचित रिटर्न नहीं दे पाए। कंपनी बंद करने के बाद राजदीप शुरू में नोएडा में रहने लगा, बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब चला गया। इस दौरान आरोपी की किडनी खराब हो गई। आरोपियों के खिलाफ शिमला में सीबीआई ने 14 सितंबर 2019 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने राजदीप मान समेत 4 निदेशकों अरुण सूद, भूपेंद्र सिंह रावत और मनोज वर्मा को भगोड़ा घोषित कर दिया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।